हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैंने पूजा कर ली है नहा के, और घर में कुछ हद तक सेटिंग भी हो गई है। जैसे कि आपको पीछे से व्यू दिख रहा होगा, कुछ हद तक मैंने घर को सेट कर लिया है। आपको दिखाती हूँ पूजा, मैंने मंदिर कैसा बनाया है, और दिखाते हैं अब क्या किचन में काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने अपना मंदिर लगाया। हाँ बेटा, मैं दे रही हूँ। तो अब बच्चों को लगी भूख, तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाते हैं। फर्स्ट नवरात्रा है तो प्याज वगैरह तो बनाती नहीं हूँ, पर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ की किचन कैसी है अभी, किचन सेटल नहीं हुई है, और किचन में मैं क्या बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आधी क्लास आधी क्लास में जाना है, और अच्छे से कुछ खिला के भेजूँगी क्योंकि उसने भी फास्ट रखा हुआ है। तो देखते हैं आलू बनाते हैं क्या बनाते हैं। पीछे थोड़ा सा आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा फैला हुआ है, एक ही कॉर्नर है जहाँ पे थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सेट नहीं हुए हैं, कुछ एरिया सेट हो गए हैं, थोड़े बहुत एरिया बचे हैं उसको सेट करना है। और किचन का भी ऐसा ही हाल है कुछ। तो मैंने बनाया कुट्टू सॉरी सिंगाड़े के आटे के आलू डाल के पकौड़े, बॉईल करके आलू मिक्सर बना के। ये वाले पकौड़े जो है ना, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो खाने का मज़ा ही अलग आता है। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, दही के साथ मज़ेदार। तो आइए फ्रेंड्स, अभी बनाते हैं मखाना बर्फ़ी। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा पैकेट मखाना का, लेके आई थी मैं। ये मैंने हाफ पैकेट यूज़ कर लिया था, तो दो बारी में मैंने देसी घी में डाल के अच्छे से भूना। भूनेंगे अब तब तक जब तक कि हमारा एकदम से क्रिस्पी ना हो जाए। तोड़ेंगे तो एकदम से क्रिस्पी पता चल जाएगा कि एकदम से टूट जाएगा। तो अब हमारे मखाने भुन गए हैं, तो मैं इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ। अब दोबारा से मैं कढ़ाई में देसी घी यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने पीनट यूज़ करी है, पर आई रियलाइज़ कि मैंने लास्ट टाइम काजू यूज़ किया था, काजू से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया था। लेकिन इस बार मैंने पीनट यूज़ करके गलती करी, पर फिर भी अच्छी बन गई थी, पर काजू का फ्लेवर मच बेटर था। दूसरी तरफ मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया एक किलो, उसको उबलने के लिए रखा है। 2.5 से 3 कटोरी ब्राउन शुगर डाल दिया उसमें, साथ में पकता रहेगा, दूध में गर्म होते टाइम ही डाल दिया, एक उबाल आने के बाद भी उसको पकते ब्राउन शुगर को और दूध को इकट्ठे पकाएंगे। ये हमारे मैंने जार में लिया है 2 से 3 इलायची, और फिर मखाना और पीनट को एक साथ डाल डाल के पीसा है, दोनों चीज़ें एक साथ, ताकि अच्छे से पिस जाए। कोई भी चीज़ मतलब इस तरीके से पीसने से अच्छे से पिस जाती है, क्योंकि मखाना थोड़ा ज़्यादा मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी है, और जो पीनट है थोड़ा ऑयली ऑयली होती है। तो दोनों को इकट्ठे पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पिसेगा ये। तो ये मिक्सर हमने निकाल दिया अलग से थाली में। अब ये मैंने एक ट्रे पे, मैंने जो मेरी केक की बेकिंग ट्रे थी उस पर घी लगा के साइड में रख दिया ग्रीस करके। अब कढ़ाई में हम फिर से डाल रहे हैं अपना ये मिक्स। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा मिल्क हो गया है रेडी। ये मेरा ऐसा कलर इसलिए है क्योंकि उन्हें ब्राउन शुगर यूज़ किया है। तो अब इसको डालेंगे और साथ साथ फटाफट मिक्स करेंगे। ये काम बहुत ही क्विकली करने का होता है। तो जैसे ही मिक्स करेंगे बस हमारा 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 2 से 3 मिनट में हमारा जो है ये जो बर्फ़ी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे गर्मा गर्म ही, हम अपने बर्तन में निकालेंगे जो भी ग्रीस किया है थाली या जो भी चीज़, तो इस पे निकाल के अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके प्लेन कर देंगे एकदम से। तो प्लेन करने के बाद ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। तो गार्निश में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं तो यहाँ पे यूज़ करूँगी बादाम। तो आपको जो भी चीज़ गार्निश में अच्छी लगे वो लीजिए, और अच्छे से ये ना इंजॉय कीजिए। किसी भी व्रत में आराम से खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बना के रख लो। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में भी बना सकते हैं आप। तो मैंने तो ये पहले बनाई थी, मैं अब भी शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरी वीडियो शेयर होनी रहती थी तो मेरे को लगा फास्ट है तो शेयर कर लेते हैं। तो इसी टाइम पे ना इसको जब हम प्लेन करेंगे इसी टाइम पे इसकी कटिंग भी कर देंगे, ताकि बाद में कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। 2 घंटे इसको सेट होने में लगते हैं। आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर फ्रिज में सेट ढक के सेट करने के लिए रख दीजिए 2 घंटे। फिर अपनी बर्फ़ी निकालिए और एंजॉय कीजिए ये मखाना बर्फ़ी। तो वीडियो कैसी लगी ये वाली रेसिपी ज़रूर बताना। आगे व्लॉग चालू करते हैं गाइस। आगे कहाँ गई मैं पहुँच गई थी जी सदर बाज़ार पान मंडी। चलिए आपको पान मंडी के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये है पान मंडी का नज़ारा। ये इस टाइम गाइस श्राद्ध चल रहे थे जब मैं गई थी, तो इतना रश नहीं था, लेकिन अभी अब पहुँचेंगे ना तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो कुछ व्यू कैसा है पान मंडी में, लाइट मार्केट थी यहाँ पे, लाइटें वगैरह थी, दियाज वगैरह थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी डेकोरेशन की, बड़ी सुंदर सुंदर और बहुत ही रीज़नेबल रेट में। मतलब हमारे घर से तो ज़्यादा दूर भी नहीं है,
तो मुझे ये लगा कि मैं क्यों हर बार नहीं क्यों नहीं आती थी यहाँ पे, कितना यहाँ पे आना कितना बेनिफिट है यहाँ पे आना, और इतनी सुंदर चीज़ें नॉर्मल मार्केट में भी ना दिखें ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि ये होलसेल मार्केट सदर मार्केट में ही बारह टूटी चौक से जब चलेंगे सीधा सीधा चलते जाते हैं तो बारह टूटी चौक से आप बर्तन मंडी की तरफ ना जाके दूसरी साइड आपको जाना है, तो वहाँ से जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको चलते चलते जैसे ही राइट टर्न आएगा यानी कि टी पॉइंट पे आपको पहुँचना है, राइट टर्न आएगा, राइट टर्न आने के बाद ही आप पहुँचेंगे पान मंडी। आप वहाँ पूछ भी सकते हैं आसपास किसी की पान मंडी कहाँ है, तो पान मंडी पान के लिए नहीं है, ले लाइट्स और इन सब चीज़ों के लिए है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सामान मुझे लगा, इनके रेट्स भी काफ़ी सही थे। ये जो आपको झूमर टाइप दिख रहे हैं ये थोड़े बड़े में जो दिख रहे हैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगी मैं, वो 400 की रेंज में है। और बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं लेके आई हूँ वहाँ से जो कि मैं दिवाली डेकोरेशन में यूज़ करूँगी, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। हो सके तो मैं हो सकता है दिवाली से पहले दिखा दूँ या फिर दिवाली पर ही दिखाऊँ, तो वो मैं सब आपको दिखाऊँगी, आप भी जाके विज़िट करिए, अगर आप पास पर हो तो ज़रूर विज़िट कर सकते हो। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन है, बस मज़ा ही आ गया मुझे तो यहाँ पर जाकर, वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइज एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जब भी आप यहाँ पर आए ना, एक तो अपना बैग जरूर साथ में लेके आए, वाटर बॉटल साथ लेके आए, और अपने पर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि पॉकेट बहुत मारी जाती है यहाँ पर, तो ये ना हो कि आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए। तो अपने पर्स को बिल्कुल इस तरीके से लेके आना है कि आपके अंदर अच्छे, मतलब आप अच्छे से उसको कवर करके रखो, हाथ पकड़ के प्रॉपर, ये नहीं कोई पीछे से पॉकेट आपके मार ले। तो यहाँ पे आने के बाद ना आपको रेट में भी वेरिएशन मिलेगी, मतलब अगर आप पान मंडी से ले रहे हो तो रेट आपको रीजनेबल मिलेगा, और इससे पीछे ही सदर में ही बारह टूटी के बाद ही जैसे आपको कुछ रस्ते में शॉप मिल गई और आपने ले लिया तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। दियाज का रेट भी मैंने देखा था जो 100 का पीछे मिल रहा था, वो वहाँ मैंने 70 का पैकेट लिया। ऐसे ही झरना वाली लाइट जो यहाँ पे 300 की मिल रही थी वो मैंने 350 की ली थी सदर में ही पीछे, तो मैं ले चुकी थी तब तक। तो बाकी ये जो था, ये झूमर आपको गोल्डन दिख रहा है, ये 400 की रेंज में यहाँ मिल रहा था इस यहीं पर पान मंडी में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 400 के झूमर थे लाइट वाले। फिर मैंने मैंगो शेक इंजॉय किया, इन सरदार अंकल का बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक था। तो इसके बाद जल्दी मैं घर पे, ओके बाय।